यू आकाशवाणी जम्मू है अनवर चौधरी ते खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 वबा का मुकम्मल तौर टेस्ट करने को इफ्तिताह करेगा। इस सहूलत नाल टेस्ट करने की सलाहियत बधाई जाएगी और बीमारी का शुरू में ही इसको पतो ला लियो जाएगा और इस नाल इस पर काबू पाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन प्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई ते इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा ते इंट्रिक वबा जात कोलकाता आपसी तावन नाल ये टेस्ट करेगा और इस अमल नाल कम से कम 10,000 दिन का टेस्ट किया जाएगा। इस नाल पहले तो कम कर रही लिबार्ट्री दीगर बीमारियों का टेस्ट करने के काबिल भी हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क 7 अगस्त न कौमी हथकड्डी दिन का तौर पर मनावेगो। उन्हें कहा कि मौजूदा वबा कोविड 19 के दौरान इस चीज़ को तजर्बो बांधते आयो है कि हुनरमंता ने किस कदर इस शोबा में मेहनत की है और अपना हुनर को मुजाहरो करके बड़ा हथुड़ी इकतसादियात ना सहारो दित है। उन्हें कहा कि हथकड्डियों की भारत में एक रोशन तारीख है। जनाब नरेंद्र मोदी ने हर किसी और इस काल को जोर पाए हुए कि इस भारतीय तारीखी हुनर ना आगे बढ़ा के हमना रोजगार का ज्यादा तो ज्यादा मौका फराहम करवाना चाहिए। कारगिल विजय दिवस का मौका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुज़श्ता रोज बहादुर फौजी शहीदा ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। इस मौका और बोलतम उन्होंने कहा कि मुल्क की हिफाजत वास्ते जिन फौजियों ने अपनी जान कुर्बान की उनकी शहादत ने कदे भी भुलाया नहीं जा सकता और आने वाली नस्लों वास्ते एक मिसाल रहेगी। जम्मू कश्मीर मरकजी इंतजाम वाला इलाके में कोविड 19 वबा का मामला की गिनती 17,920 हो गई है। ऑल इंडिया रेडियो का तर्जमान ने दस है कि इस वबा नाल हुण तड़ी 318 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 295 वादी कश्मीर और 23 लोग जम्मू मालुक मुअज्जल हो चुके हैं। इस तो इलावा 615 नवा मामला बांधे आ गया है और इन मामलों की गिनती 17,920 हो गई है जिनमें 14,148 वादी कश्मीर में और 3,772 जम्मू सूबा में दसिया गया है। 615 नवा मामला में 479 वादी कश्मीर और 136 जम्मू सूबा में दसिया गया है। इस तरह वादी कश्मीर में 14,148 जिनमें 7,920 लोगों ने वबा तो अफाको हो है 295 लोग अजल हो गए हैं और सूबा जम्मू में 3,372 मामलों में 2,800 लोग बल हो गए हैं। 23 लोगों की मौत भी वाकया हो गई है। 411 मजीद लोगों का बल होने नाल सेहतयाब होने वालों की तादाद हूँ 9,928 हो गई है जिड़ी के 55.40% है या 18% कुछ दिहाड़ पहला 63% थी। हिफाजती दस्ता ने गुज़श्ता रोज शोपिया जिला में मिलीटेंटों का एक ठिकाना को पतो लागे बड़ी मकदार में हथियार तो गोलो बारूद बरामद की हुए। जिला का दाचू इलाका में हिफाजती दस्ता ने UBGL ग्रनेड, 3 ग्रनेड, 1 AK-47 मैगजीन, 2 AK राउंड, 1 रेडियो सेट ते एतराज़ वाला दस्तावेजात भी बरामद किया है। इससे दौरान मारा पूंछ का नुमाइंदा अभिनव मिश्री ने खबर दी है कि पुलिस और फौज की एक सांझी कार्रवाई में सुल्तान पथरी धोरिया खारा में तलाशी मुहिम के दौरान 2 बारूदी सुरंग, 2 हथगोला बरामद किए गए हैं। जिला कपवाड़ा में हिफाजती दस्ता और मुकामी पुलिस ने अपनी एक कार्रवाई के दौरान मंशियात स्मगलरों का एक ग्रुप न दबोच के 3 लोगों ने गिरफ्तार कर लियो है। इस टीम ने 10 किलोग्राम ब्राउन शुगर ते हथियार 2 गड्डियों में बरामद किया है जेडी के स्मगलरों के कुल थी। एक पक्की सू लगन पर फौज और पुलिस ने गड्डियों की तलाशी ली और इन 3 मुश्तबा लोगों ने गिरफ्तार कियो। SSP कपवाड़ा श्रीराम दिंकर ने कहा है कि 2 गिरफ्तार किया गया मुलजमान को 10 किलोग्राम मंशात बरामद की गई जिसकी कीमत बैन अल-क़वामी मंडी में 50 करोड़ रुपया दसी गई है। तर्जमान ने दस्यो के गिरफ्तार किया गया अशखास ने 1 AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल, 4 पिस्तौल मैगजीन, 76 राउंड, 90 पिस्तौल की गोली और 20 ग्रनेड बरामद किया गया है। जिला शुपाहिया में गुज़श्ता रोज मिलीटेंटा ने हिफाजती दस्ता का एक नाका और गोली चलानी शुरू कर दी थी। शुगलू का मुकाम पर फौज CRPF
और पुलिस की एक सांझी चौकी पर की गई इस गोलीबारी में किसी भी शख्स का जख्मी होने की खबर नहीं है। इसके नाली खबरों को बुलेटिन खत्म हुआ।